देश की आंख की किरकिरी बन चुके हम तो, पुलिस की आंख की किरकिरी बन चुके हम तो। कहिए गोगा मेरी सड़क कद रांद कटेगी इसकी, जहां कुछ भी कोई भी होता है वहां समाज के हजारों लोग लेकर के पहुंच जाता है लड़ने के लिए। और पीछे ये एक और इसकी खासियत था गोगा मेरी की कि ये पीछे नहीं हटता, मरने मारने की बात करता है। काफी लोगों को तो हम कान में फूंक मार के पटा लेते हैं, किसी के कंधे पर हाथ रख के ले जाते हैं। होलदार सिपाही थानदार से ही कई लोग तो खुश हो जाते हैं कि यार थानदार जी का फोन आ गया, अब सलटाओ इसको, निपटाओ, बस बस बस। पर ये गोगा मेडी तो पता नहीं कौन सी मिट्टी का बना हुआ है। हमारे डीजीपी आईजी एसपी किसी की नहीं सुनता, एक ही बात कहता है, जो हमारी मांग है वो पूरी करो, हम हट जाएंगे पीछे। मैं तो उनकी आंख की किरकिरी बनकर के भी जी लूंगा। तो इसलिए मेरे समाज से कहना चाहता हूं कि आप लोगों से विनती है, मैं फिर कुछ कोई बोल जाऊंगा तो कह देंगे वो विवादित बयान दे दिया गोगा मेडी ने। एक दो तीन तो हमारे समाज की इतनी, फिर कह दो कि भारतीय महिलाओं के लिए गोगा मेडी ने गलत बोल दिया। एक दो तीन तो हमारे समाज की इतनी गंदी नंडिया है जो समाज को पूरे दिन बदनाम करती रहती है। कभी कौन से जाट के खाक में जाके सो जाती है, कभी कौन से जाट की गोदी में जाके बैठ जाती है, पता ही नहीं चलता इन सारी रंडियों का। अरे हम ठाकुर तो हमारे पूर्वज हैं और रंडिया नचाया करते थे, मान देखा है हमने, मैं छोटा सा था तब देखा है। आज तो हमारी सारी रंडिया जाके उनके नाच रही है, उनके साथ बिस्तरों में पड़ी रहती है। ऐसी रंडियों को मैं कह रहा हूं सुधर जाओ, नहीं सारी गंदगियों समाज से मैं तुम्हें अलग करने के लिए, क्योंकि इस कीचड़ के अंदर गंदगी में पत्थर मारोगे तो छींटे तो लगेंगे। मुझे लठ उठा के तुम्हारे भी टांगड़े तोड़ने पड़ सकते हैं, देख लेना, सुन लो, कान खोल करके, मैंने बहुत सुन लिया तुम्हारी, तुमने बहुत गंदगी फैला ली, मैं कुछ नहीं बोला। मेरे को भाइयों ने कहा कि ये गंदगी करने दो, आप इनकी तरफ ध्यान मत दो, पर अब एक शब्द भी किसी भी जात के साथ देख लिया ना मैंने, उसी दिन वही फोड़ूंगा पटक के, कान खोल के सुन दे, कौन से भी जात के साथ देख लिया ना उसी दिन वही पटक के फोड़ूंगा। ये दो तीन है वो मेरे को देख रही है, सुन रही है, दिमाग में बिठा लेना। और उस जाट को भी कहना चाहता हूं, ओ कुत्ते की औलाद है, गंदगी साड़े को हरियाणा में आके वही घर में ही फूंक दूंगा। अब की बार इसके साथ कहीं भी तेरे को देख लिया ना तो मेरे को गोगा मेडी कहते हैं, वही पटक के मारूंगा साड़े कुत्ते को। ये देख लेना, इसके साथ दोबारा कहीं भी नजर आ गया तो मेरे को मजाक बना रखा है समाज को। मेरे नौजवान साथियों, जितने भी युवा, जितने भी बुजुर्ग, जितने भी पत्रकार बंधु, जितने भी हमारे इतिहासी जिनके कालजे में आग लगी हुई थी, इस आंदोलन में जिनने सहयोग दिया है, उनको सुखदेव सिंह गोगा मेडी झुक करके नमन करता है, उनके माँ बाप को नमन करता है कि कोई तो कुछ तो शेर पैदा है राजस्थान के अंदर, जो एक आह्वान के ऊपर अपना सब कुछ छोड़ करके भाग करके आ जाते हैं। अरे मेरे को जैसे ही यहां का पता चला, मेरे काकोसा राजेंद्र सिंह जी घुटा ने अपने ऊपर तेल डाल लिए आत्मदाह करने के लिए, मैं मेरी गुजरात के सारे प्रोग्राम छोड़ करके आ गया। 2.5 से 3 लाख लोगों की मीटिंग थी, वो आपने देखा होगा दूसरे दिन। और कोई लोग बोले आंदोलन बाद में होता रहेगा, वास्ते लगा पर तो 10 मिनट जाके आंदोलन में 10 मिनट जाके एक भाषण दिया होगा, मंच पर खड़े होके आपकी गिनती शामिल हो जाएगी। वहां 24-24 घंटे पड़े रहे हैं, है कोई समाज में ऐसा कोई भामाशा है क्या समाज में जो वहां 24-24 घंटे पड़े ये आंदोलन लड़ा, उनको सार्वजनिक मंच पर ला करके सम्मानित कर सके? आप कर ही नहीं सकते। आप तो ये सोच रहे हो सारा कुत्ते की इसकी नांद कब कटे, जैसे महाराणा प्रताप के लिए सोचते थे। अरे मैं कश्मीर के लाल चौक में 1991 के बाद किसी भारतीय ने हिम्मत की, शेखावटी के लाल ने आपका खून जिसकी रगों में है, जो ठाकुर है क्षत्रिय है, वो तिरंगा कश्मीर के लाल चौक में फहराया
किसी ने बुला के उसको सम्मानित किया आज तक? है शर्म तुम्हारे मुंह पर? एक ने भी बुला के उसको सम्मानित किया क्या? है तुम्हारे मुंह पर शर्म? जिसने अनेकों अनेकों लड़ाइयां लड़ी, जिसने एक छोटा सा मुद्दा जो यहां तहसील लेवल पर चला करते थे उनको नेशनल मुद्दों पर ले गया, आज पूरे भारत के अंदर राजपूतों की ललकार, राजपूतों के जयकारे लग रहे हैं। आज लिख रहे हैं फलान सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष, टीकर सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष, पुंछड़ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखने से देश का और समाज का काम हो जाएगा क्या? लड़ना पड़ता है, पसीना खून बहाना पड़ता है, माइक पकड़ के बोल देते हो कुछ भी, ये कर देंगे वो कर देंगे ये कर देंगे। मैंने किया था चूरू में सुरसाटा बाटा और 15 साल किसी इस साड़े की औकात और हिम्मत नहीं हुई हमारी बहन बेटियों की तरफ, क्या हमारे भाइयों की तरफ भी देखने की? क्या करना पड़ता है? 1 लाख का ठेकेदार था मैं उस समय, करोड़ों रुपए का मुझे घाटा लगा, 28 महीने में जेल में रहा। तुम में से आया कोई मेरे घर जाकर के किसी ने कहा कि ये लो 20 लाख रुपए? आज सुखदेव सिंह नहीं है, सुखदेव सिंह पूरे समाज का बेटा है, सुखदेव सिंह समाज के लिए लड़ करके जेल गए हैं। किसी ने आगे कहा क्या सुखदेव सिंह के घर, सुखदेव सिंह के बच्चों से किसी ने पूछा क्या कि तुम जी रहे हो कि मर रहे हो? मेरे नौजवान साथियों, ये कोई लड़ाई आप लोगों ने 4 दिन लड़ी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे काकोसा राजेंद्र सिंह जी खुट्टा का, जो मात्र एक चुने हुए जनप्रतिनिधि थे, जो हमारे बीच रोड पर सुते हुए थे, हम उनके बराबर सो रहे थे। जीते हुए जनप्रतिनिधि तो और भी बहुत हैं, वो छक्के हो गए क्या? उनके समाज नहीं रखता क्या? उनकी समाज की बहन बेटी उनकी बहन बेटी नहीं है क्या? मंच पर वोट लेने हो जब तो वोट करते हैं, हम 36 कौम को साथ लेकर के चलते हैं, 36 कौम की बहन बेटी हमारी है। अरे तुम तुम्हारी कौम की बहन बेटी उसके नहीं हो सकते तो कहां हो जाओगे 36 कौम की बहन बेटियों के? ये तो राजनेता है ना, कभी कहते हैं वो बिक गया, कभी कहते हैं वो बिक गया, सारे सर्टिफिकेट यही देते हैं क्या? जो नहीं बिके वो तो आ जाते हैं लड़ने के लिए। सुखदेव सिंह गोगरामेडी नागौर से चुनाव लड़ने के लिए बात करता है तो नहीं नहीं हो, सुखदेव सिंह चुनाव लड़ेगा तो हनुमान जीत जाएगा। सुखदेव सिंह गोगरामेडी चूरू से चुनाव लड़ने की बात करता है, ओ सुखदेव सिंह लड़ेगा तो राम सिंह कसवार चुनाव जीत जाएगा। फिर 15 साल में हरा लिया गया अपने उसको। कोई समाज का भाई आगे बढ़ना चाहता है उसकी टांग सबसे पहले तुम खींचते हो। नागौर से बीएसपी का पर्चा उठ गया, झुंझुनू से बीएसपी का पर्चा उठ गया, मुझे दुख है क्योंकि मैं गरीबों के लिए दलितों के लिए, मैं और मेरे राजेंद्र सिंह जी काकोसा गुट्टा साहब हम लड़े हैं, चाहे जाना आवास कांड हो चाहे अन्य काम हो। हमारे भादरा में गांधी से मेघवाल समाज की लड़की को उठा के ले गए थे, 24 दिन हम रनर्सन किया था हमने, 24 दिन मेरी लिस्ट है, चेक करोगे ना तो पता चलेगा कहां कहां कुमार समाज के लिए हम लड़े, धानक समाज के लिए हम लड़े, वाल्मीकि समाज के लिए हम लड़े, मुस्लिम समाज के लिए हम लड़े, सैल्यूट करते हैं उन पत्रकारों को और उन भाइयों को जो वहां अपना पसीना खून बहा रहे थे। अरे मैं पूरे राजपूत हॉस्टल का धन्यवाद करना चाहता हूं, मैं शिकर के त्याग सिंह जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने शिकर हॉस्टल के अंदर शिकर राजपूत समाज, शिकर राजपूत महासभा ने इतनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी थी हॉस्टल के अंदर हमारे लिए। जितने भी आंदोलनकारी थे उन हजारों युवाओं के लिए, किसी के घर में 5 आदमी आ जाए ना तो खाने के लिए पीने के लिए लोग मुंह फेर देते हैं कि कब से उठ के जाएंगे। और उन्होंने कहा शिकर की राजपूत महासभा ने, मैंने कहा
कि इतने आज 20 से 22 हजार लोग यहाँ हैं, इतने की खाने की व्यवस्था कैसे होगी। उन्होंने कहा हम शेखावत शेखावटी के शेखाजी के वंशज हैं, 20 लाख भी लोग आ गए ना तो खाने की पीने की रहने की यहाँ व्यवस्था की कोई कमी नहीं आएगी। मैं उन सब सिख